मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 का समर्थन करता हूं और ये सचमुच बहुत पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए था। बहुत लंबा समय बीत गया। इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि संस्कृति के विकास के लिए संस्कृत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के आगे बढ़ाने के लिए जो ये उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीन ड्रीम संस्थान थे अभी तक जो केंद्र सरकार जिनका वित्त पोषण करता था, जिनमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, दूसरा लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, तीसरा तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। केंद्र सरकार इनका वित्त पोषण तो करती थी जरूर, लेकिन कई केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। इसके पहले भाषा के आधार पर दो और विश्वविद्यालय बने थे और वो विश्वविद्यालय थे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, एक बना था मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, लेकिन संस्कृति भाषा का यूनिवर्सिटी नहीं बना। जबकि हमारे पास महाविद्यालय संस्कृति के जो महाविद्यालय पूरे देश भर में ।120 सामान्य विश्वविद्यालय और 16 संस्कृत विश्वविद्यालय और इनमें 1000 के लगभग महाविद्यालय संबद्ध, 10 लाख छात्र अध्ययनरत और इतनी बड़ी संख्या में महाविद्यालय होने के बावजूद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इनमें से किसी को नहीं मिला था। और सचमुच माननीय मंत्री जी आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इसकी बहुत बड़ी चिंता की। हमारे देश में संस्कृत भाषा का एक बहुत लंबा इतिहास है, 5000 साल पुरानी हमारी यह भाषा है और माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद संस्कृति भाषा का उदय हुआ था। संस्कृत भाषा का उदय प्राचीन ऋग्वेद काल में हुआ क्योंकि इसी काल में विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद लिखे गए थे तथा इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। इन वेदों के लिखने वाले प्राचीन ऋषि आर्यन थे, इसी कारण इस काल को आर्यन काल भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को आर्यों की भाषा कहा जाता है और मैं मानता हूं कि संस्कृत भाषा देवों की भाषा है। यह देवों की भाषा है, जिस तरह से देवी देवता अमर है उसी तरह से संस्कृत भाषा भी अमर है। संस्कृत का विकास दो चरणों में हुआ, एक वैदिक संस्कृति जिसमें हमारे वेद, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि लिखे गए, दूसरा पाणिनि रचित संस्कृत जिसमें अनेक अलौकिक ग्रंथ जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, पतंजलि आदि लिखे गए। हिंदू धर्म से संबंधित सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे तथा यज्ञ अनुष्ठान आदि संस्कृत भाषा में भी आज भी हो रहे हैं। विद्वानों की शोध के अनुसार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा का प्रभाव विश्व की लगभग 97% भाषाओं में है, ऐसा प्रमाण है।